वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सम्राट। जैसा कि आप लोग को BSF के वैकेंसी आ चुकी है हेड कॉन्स्टेबल के, इस वीडियो में सारा डिटेल्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल देखेंगे तभी आपको समझ आएंगे। तो करना क्या आपको, सबसे पहले आप जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे इसी तरह के। चलिए अब बात करते हैं BSF की जो IB वैकेंसी के बारे में। तो मैंने इनका PDF ओपन कर लिया है, तो मैं इनके बारे में प्रॉपर रीड करके बता रहा हूँ जो रीड किया है, फिर भी मैं बताऊँगा नोटिफिकेशन में जाके। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं, स्टार्टिंग डेट जो भी है 14/5/2019 से हो चुकी है, लास्ट डेट जो है आपकी फॉर्म की 12/6/2019 यानी 12/6/2019 से रहेगा। और पे इस यानी कि आपको अप्लीकेशन फीस क्या क्या देना पड़ेगा, जनरल OBC और EWC को EWS को 100 रुपये पे करना है, और SC ST PH फीमेल को कुछ पे नहीं करना है, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसी में। टोटल पोस्टें आपको 1072 पोस्टें मिल जाती है देखने के लिए, और इनकी जो है एज लिमिट यानी कि 12/6/2019 पे आपका कैलकुलेशन होगा, और 18 से 25 साल एज रखा गया है। फॉर रिलैक्सेशन सी नोटिफिकेशन, यानी आप इनकी जो नोटिफिकेशन है एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, नोटिफिकेशन के बारे में बता देंगे कहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिला और क्या मिलेगा। तो ऐसा है, तो फिर हम बात करते हैं कि इनकी जो हेड कॉन्स्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर के लिए 10th पास और इक्विवेलेंट 2 ईयर्स ITI सर्टिफिकेट रेडियो एंड ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम्स असिस्टेंट डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा एंट्री ऑपरेटर और 12th इंटरमीडिएट पास, यानी कि ये सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 60% मार्क्स होने चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं, अगर सिंपल 10th पास हो आप तो। अगर हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक की बात करें तो हम 10th पास जनरल यानी कि 10th पास और इक्विवेलेंट यानी 2 ईयर्स ITI रेडियो एंड टेलीविज़न और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम सिस्टम से होना चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन फिटर वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और मेंटेनेंस हार्डवेयर नेटवर्किंग टेक्नीशियन तो यानी कि ये है तो आपको ठीक है, या फिर आपको आपके पास 10th इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी 60% के साथ। और टोटल बात करें हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर के बारे में, तो इनमें टोटल पोस्ट आपको जाके आपको 300 मिल जाती है, और हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए टोटल 772 मिल जाती है, टोटल मिला के आपका 1072 पोस्ट बन जाती है। तो और हम बात करते हैं तो इनकी नोटिफिकेशन के बारे में, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ मैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि देख सकते हो यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ से देख सकते हो इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर इंस्टीट्यूशन और रेगुलर स्टूडेंट विद एग्रेट मार्क्स 60% PCM सब्जेक्ट से होने चाहिए हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, एक बार आप यहाँ से रीड कर लोगे तो मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। एज लिमिट के बारे में बता दिया, 18 से 25 साल होने चाहिए एज, और ये सोन 12/6/2019 के लिए। क्लोजिंग डेट जो भी है इनका दिया गया है 12/6/2019 तक, और यहाँ पे आप देख सकते हो यानी 18 साल से आप जो भी है यानी कैटेगरी वाइज यानी कि OBC वाले को 3 साल की छूट मिलेंगे 18 से 25 साल में, और SC ST वालों के लिए 5 साल के, यानी कि 25-30 हो जाती है SC ST वालों के लिए, 28 साल हो जाते हैं OBC वालों के लिए, जनरल वाले को कुछ नहीं है। तो और नीचे बात करते हैं थोड़ा सा हम, इनमें जो है इनमें आपका रनिंग भी मांगा गया है, तो रनिंग क्या है मैं ये भी बता देता हूँ, रनिंग इसमें क्या मांगा गया है। रनिंग जो है रेस आपकी जो है ना होनी चाहिए मेल के लिए यानी 1600 मीटर रनिंग होनी चाहिए 6 मिनट 5 सेकेंड में, और लॉन्ग जंप 3 फीट 6 मीटर से लेकर 3 चांस मिलेंगे आपको एक, और हाई जंप जो है ना 1.2 मीटर्स इन 3 चांस मिलेंगे। और फीमेल की बात करते हैं 800 मीटर वहीं रेस करनी है आपको 4 मिनट में, और 9 फीट मिलेंगे कूदने के लिए आपको हाई जंप लॉन्ग जंप, और ये 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप आपको 3 फीट मिलेंगे जंप करने के लिए फीमेल कैंडिडेट को 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे। तो और हम जो भी नोटिफिकेशन है मैं थोड़ा सा रीड करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हाइट जो दिया गया है इसमें, हाइट के बारे में हाइट 168 सेंटीमीटर है यानी कि जनरल वालों के लिए सभी के लिए, और फीमेल के 157 सेंटीमीटर है, और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। और यहाँ पे देख सकते हो जो आप गोरखाज भी हो या फिर अदरवाइज अरुणाचल प्रदेश नागालैंड सिक्किम मणिपुर मिजोरम मेघालय असम हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख रीजन से हो तो आपके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और वहाँ के कैंडिडेट जो SC ST हैं तो उनके लिए ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ तो उनके लिए जो 162.5
5 सेंटीमीटर मांगा गया है, तो इनकी चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए या फिर 85 होना चाहिए, यानी 76 सेंटीमीटर होना चाहिए इनके लिए। जो और थोड़ा सा हम बात करते हैं नीचे जाके, तो मेडिकल में देख सकते हो आप ऐसा दिया गया है, मिनिमम डिस्टेंट विजन शुड बी 6x6 एंड 6x9, तो ऐसा आपका होना चाहिए। और था मैं स्क्रॉल डाउन करके कुछ नोटिफिकेशन और रीड करके बताता हूँ, थोड़ा वीडियो में पॉज करता हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी। एग्ज़ाम जो होने वाली है आपका रिटर्न एग्ज़ाम ओमार वैसे एड होगी एग्ज़ाम, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगी। और आपका जो है यहाँ पे देख सकते हो पार्ट वन में फिजिक्स से 40 क्वेश्चन रहेंगे और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे देख सकते हो टोटल एग्ज़ाम जो होने वाली है आपका 200 के होने, 200 के होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार रीड कर लेना, यानी कि सिलेबस दिया गया है तो इस तरह का है, आप एक बार रीड कर लेना, नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ रेस के बारे में तो आपको बता ही दिया, एक बार रीड कर लोगे आप तो। और नीचे हम बात करते हैं तो क्या इनका नोटिफिकेशन में कुछ खास दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ सेंटर दिया गया है, द इंस्पेक्टर जनरल परंटर हेडक्वार्टर BSF श्रीनगर, जो भी है इनका एक सेंटर कोड है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ये सब आपका सेंटर कोड है, देख लेना एक बार प्रॉपर तरीके से, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसा इसमें कुछ दिया गया है, तो ये फॉर्म फिलअप करो आप, BSF हेड कॉन्स्टेबल की आई हुई है तो हाइट वगैरह सब कुछ आपको बता दें। अगर आपका कोई रीज़न हो, अगर मैं से कहीं गलती से कोई छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछें, मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।